एक पेपल अकाउंट बना के आप दुनिया भर से लेन देन कर सकते हैं। अगर आप फ्रीलांसर हैं, अगर आप फ्रीलांसिंग की सोच रहे हैं, तो आपके पास एक पेपल अकाउंट होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप कोई भी कंट्री में जाते हैं और वहाँ पे अगर आप कोई भी शॉपिंग वगैरह करते हैं, अगर आप डॉलर में परचेज करते हैं, तो आप पेपल अकाउंट से बहुत ही आसानी से आप पेमेंट कर सकते हैं। या आप फॉरन से पैसा मंगाना चाहते हैं, पैसा भेजना चाहते हैं, तो वो भी आप बहुत ही आसानी से पेपल अकाउंट के थ्रू आप कर सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप पेपल अकाउंट बनाएंगे। सो आज मैं हूं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे रेड बटन को दबा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोज़ पाइए आप रोजाना। तो आज के वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप और डिटेल्स में दिखाऊंगा पेपल अकाउंट को बनाएंगे। आप इस वीडियो को कम्प्लीटली ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में पूरा प्रोसेस दिखाया हूँ कि किस तरीके से आप पेपल अकाउंट बनाएंगे और किस तरीके से आप उसमें लेन देन करेंगे और इसको कैसे सेटअप करेंगे। मैं आपको इस वीडियो में पूरा प्रोसेस दिखाया हूँ। इस वीडियो को आप कम्प्लीटली ज़रूर देखिएगा। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको पेपल अकाउंट बनाने के लिए किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद से ही घर बैठे आप पेपल अकाउंट बना सकते हैं और उसको सेटअप भी कर सकते हैं। तो कैसे पेपल अकाउंट बनाना है, कैसे सेटअप करना है, चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। पेपल इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। वहाँ पे जाने के बाद आप डायरेक्ट इस पेज पे आप ओपन हो सकते हैं। पेपल के थ्रू आप कोई भी नेशनली और इंटरनेशनली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इंडिया में बहुत सारी वेबसाइट और एप्लीकेशन है, यहाँ पे आप पेपल के थ्रू देख रहे हैं, यहाँ पे पेपल के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं और इंटरनेशनली तो आप इस पे पेमेंट कर ही सकते हैं। एक पेपल अकाउंट बनाने के लिए यहाँ आप साइन अप पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही वो कुछ इस तरह से आप ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पे आपको टू ऑप्शन मिलेंगे, पर्सनल अकाउंट और इंडिविजुअल अकाउंट। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि एक बिजनेस अकाउंट है और इंडिविजुअल अकाउंट है। अगर आप बिजनेस के लिए अकाउंट बनाना चाहते हैं तो बिजनेस अकाउंट चूज करेंगे, अगर आप पर्सनली अकाउंट बनाना चाहते हैं आप तो इंडिविजुअल अकाउंट चूज करेंगे। अगर कोई अपना काम के लिए कुछ लेन देन करने के लिए अकाउंट बनाना चाहते हैं तो ये इंडिविजुअल अकाउंट चूज करेंगे, इसके बाद यहाँ से करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद कुछ इस तरह से ये ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पर देख रहे हैं कि आप अपना मोबाइल नंबर दीजिए, जो आपके पास कोई डेट नहीं हुआ हो वो मोबाइल नंबर यहाँ पर दीजिए। इसके बाद सिंपली यहाँ से कर देना है आपको नेक्स्ट। मोबाइल नंबर डालने का सिंपल करेंगे नेक्स्ट, तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP गया हुआ 6 डिजिट का, वो आपको यहाँ डाल देना है। पासवर्ड डालते ही कुछ इस तरह से ओपन होकर ये आ जाएगी। यहाँ पर देख रहा है कि आप बोला ईमेल एड्रेस देने के लिए, या इसके बाद यहाँ आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पर बना लेना है और पासवर्ड को सिंपली कन्फर्म कर देना है। इसके बाद सिंपली कर देना यहाँ से नेक्स्ट। तो आपका पासवर्ड कैसा होना चाहिए, जैसे मेरा नाम है इंजीनियर राजा, तो शुरू का कैपिटल अक्षर, इसके बाद स्मॉल अक्षर, इसके बाद कोई एक स्पेशल करेक्टर, इसके बाद कोई एक नंबर होना चाहिए। तो उस तरीके से आप यहाँ पासवर्ड को बनाएंगे और दोबारा से कन्फर्म करके नेक्स्ट कर देंगे। तो इस तरीके से पासवर्ड चूज करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर कर देना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद ये देखिए कुछ इस तरीके से ये ओपन होकर आ जाएगी। तो यहाँ जो अब सिक्योरिटी चैलेंज हो तो इसको सिंपली आपको इसको ओके कर देना है। आई एम नॉट रोबोट, यहाँ ट्रैफिक लाइट है, जो भी जहाँ ट्रैफिक लाइट है इसको ओके करेंगे, यहाँ से सिंपली हम कर देंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद बाइसाइकिल का आ गया, जो भी है जो यहाँ से हम सिंपली इसको वेरीफाई कर देंगे। तो देखिए कुछ तरीके से ये ओपन होकर आ चुका है। जो कैप्चा आपको कैप्चा आप यहाँ डाल के सिंपली कर देना है कंटिन्यू। तो देखिए लीजिए यहाँ से चैलेंज जो आ चुका है, ये पासवर्ड आपका जो सिंपली सेट हो चुका है। सिंपली हम यहाँ से नेवर कर देते हैं, यहाँ हम कैप्चा आई एम नॉट रॉबर्ट, यहाँ बोला पर्सनल क्रॉस वेलिंग, तो जो भी है तो यहाँ पे हम जो भी क्रॉस वेलिंग है उसको हम सिंपली ऐसे कर देंगे और जहाँ जहाँ इसका वेरीफाई कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ नहीं लिए वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद यह देखिए यहाँ बोला नेशनलिटी आ ही गया है। इसके बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम डालना है, यहाँ लास्ट नेम, अगर आपके केस में दोनों अगर लास्ट नेम नहीं हो तो आपको जो फर्स्ट नेम है वही लास्ट नेम यहाँ डाल सकते हैं। इसके बाद सिंपली यहाँ आपको एड्रेस टाइपिंग कर देना है, इधर सिटी टाउन जो भी हो यहाँ से आपको चूज कर लेना है, यहाँ स्टेट चूज कर लेना, जो भी स्टेट है तो यहाँ से आप स्टेट चूज कर लेना है, यहाँ पिस्टल पिन कोड जो भी आपका पिन कोड हो वह यहाँ चूज कर लेंगे, टर्म को एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद सिंपली हम यहाँ करेंगे एग्री एंड क्रिएट अकाउंट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ बोले सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी चैलेंज, तो यहाँ से आपको इसको डालते रहिएगा।
इसके बाद इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये आता है वेरिफिकेशन के लिए, तो आप इसी तरह से इसको डाल सकते हैं। अब यहाँ पे आप अपना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का नंबर डालेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि सिलेक्ट योर कार्ड, कार्ड का जो भी सिलेक्ट कौन सा है वो यहाँ पे आप रुपए है भेजा है जो भी वहाँ सेलेक्ट करेंगे। इसको यहाँ पर देख रहे हैं एक्सपायरी डेट डालना के लिए, डालने के लिए इसके बाद सिक्योरिटी कोड जो पीछे साइड में होती है 3 डिजिट का यहाँ पर देख रहे हैं सिंबल दिया हुआ है वो डालेंगे। इसके बाद यहाँ आपका बिलिंग एड्रेस है जो भी अगर देना चाहते हैं तो यहाँ बिलिंग एड्रेस आप चूज कर सकते हैं न्यू। अगर आपका जो पहले हम दिए थे वो है तो सही रहने दीजिएगा, इसको सिंपली कर देंगे लिंक कार्ड पे ओके। तो डेबिट कार्ड डालने से ये होगा कि आपका जो डेबिट कार्ड है वो पेपल से लिंक हो जाएंगे और आप जब भी जहाँ से भी पैसे पेपल के अकाउंट में आएंगे तो वो आपके डेबिट कार्ड पे आएंगे। तो इसी हिसाब से आप बहुत ही आसानी से लेन देन आप पेपल से कर सकते हैं। डालने के बाद सिंपली हम यहाँ से कर देंगे इसको नेक्स्ट। तो नेक्स्ट करने के बाद यह कि यहाँ पे मेरा ये वेरिफिकेशन हो गया है और मेरे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी हमको यहाँ पर डाल के मेक पेमेंट पे ओके करेंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे मेक पेमेंट पे ओके, तो पेपल अकाउंट हमारे डेबिट कार्ड को एथेंटिकेट करेगा और इस तरह से देखिए मेरे अकाउंट को जो वेरीफाई यहाँ पे सिंपली हो चुका है। अब मेरा जो डेबिट कार्ड है वो पेपल के थ्रू यहाँ पे लिंक हो चुका है। अब हम कहीं भी इससे शॉपिंग कर सकते हैं और पट जो रुपये है हमारे डेबिट कार्ड से ही कट होंगे। इसके बाद सिंपली हमको यहाँ कर देना है डन। डन पर करने के बाद कुछ इस तरह से ऑप्शन होके आ जाएगा, ये देख रहे हैं। तो यहाँ सब देख रहे हैं स्टार्ट शॉपिंग विथ पेपल, आप शॉपिंग है ना पेपल से कर सकते हैं इस अकाउंट से और आपका जो अकाउंट जो अमाउंट जो कट होगा वो आपके इस डेबिट कार्ड से कट होगा। तो सिंपली हम चलते हैं अपना अकाउंट पर, तो यहाँ से हम करेंगे अकाउंट पर ओके। तो अब मेरे जो मेल आईडी है उस पर एक मेल गया होगा, मैं उस मेल आईडी को कंफर्म कर लेता हूँ। चलिए मैं अपना मेल आईडी में ओपन हो लेता हूँ। तो यहाँ मेरा मेल आईडी है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्लीज़ कंफर्म योर ईमेल आईडी, मैं इसको ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद देख रहे हैं कि मेरे जो पेपल की तरफ से वो ईमेल आया हुआ है, यहाँ लिख रखा है कि कन्फर्म योर मेल आईडी, तो मैं इस पर ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद यह कुछ इस तरह से ओपन होकर आ जाएगी, यहाँ पर देख रहे हैं। तो अब इसको यहाँ जो भी पासवर्ड आप क्रिएट किए थे वो पासवर्ड यहाँ पर डाल के यहाँ पर सिंपली अपने ईमेल को कन्फर्म कर लेना है। पासवर्ड डालने का सिंपली कर देना यहाँ कंफर्म। कंफर्म होने के बाद देखिए यह वेरीफिकेशन इन्फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस तरीके से आप अपने ईमेल आईडी को भी कंफर्म कर लेना है और इसमें आपको बैंक अकाउंट को भी कंफर्म करना पड़ेगा। तो मैं बैंक अकाउंट पे भी चलता हूँ, पहले इसको कंफर्म कर लेता हूँ। तो अब मेरा आईडी कंफर्म हो चुका है, देखिए आप लॉगिन का। तो मैं तो पहले से लॉगिन हूँ, मैं यहाँ पर ओपन हो जाता हूँ। इसका दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपका देख रहे हैं लिंक है कार्ड और बैंक अकाउंट। तो चलिए मैं इसको बैंक अकाउंट को भी मैं अपने लिंक कर रहता हूँ पेपल अकाउंट से। सिंपली आप सुबह इसे ये ओपन होकर आ चुका है, यहाँ पर आपको सिंपली कर देना है पासवर्ड डाल के, जो भी पासवर्ड है वो डाल के यहाँ सिंपली आपको कर देना है लॉगिन। तो अब देख रहे हैं कुछ इस तरह से ओपन होकर आ चुका है मैं। तो चलिए मैं क्रेडिट लिंक तो मैं डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड को पहले कर चुका हूँ, मैं बैंक बचा हुआ है, मैं इसको बैंक को भी लिंक कर लेता हूँ पेपल अकाउंट से। तो यहाँ पर देखिए ये कुछ इस तरह से ओपन होकर आ चुका है। अगर आप पेपल से पैसे विड्रॉ करना चाहते हैं तो आपको बैंक अकाउंट लिंक करना पड़ेगा। अगर कोई भी पर्सन आपको जो पैसे भेजेंगे तो आप इसी बैंक अकाउंट में आएगा, आप इससे आप विड्रॉ कर सकते हैं और इस तरीके से पेपल से ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ आपने देख रहे हैं कि बैंक का IFSC कोड डालेंगे, इसके बाद यहाँ जो है अकाउंट नंबर डालेंगे और इसके बाद सिंपली यहाँ देख रहे हैं नीचे लिंक योर बैंक, इस पर हमको क्लिक कर देना है। तो यहाँ सिंपली कर देंगे लिंक पे ओके। लिंक पे ओके करते ही कुछ इस तरह से आपको ये ओपन होकर आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि आपका पेपल अकाउंट जो है कुछ इस तरीके से आपका ये शो कर रहा है और आपका देख रहे हैं कि लिख रहा है कि हाउ टू कन्फर्म योर बैंक अकाउंट। तो कुछ इस तरीके से आपका ये स्टेटमेंट वगैरह शो कर रहा है, आप यहाँ पे से देख सकते हो सब कुछ। तो यहाँ हमको सिंपली कर देना है ओके। ओके करने के बाद देख रहे हैं कि मेरा ये बैंक अकाउंट से जो है पेपल अकाउंट लिंक हो चुका है और इस तरीके से देख रहे हैं ऑटोमेटिक विड्रॉल भी आप कर सकते हैं। सिंपली हमको इस पर कर देना है डन और यहाँ से देख रहे हैं कि आपका जो इंडियन करेंसी है USD करेंसी है आपका पेपल विड्रॉल विदाउट बैलेंस है वो टोटल यहाँ पे आपका जो शो कर देगा और यहाँ देख रहे हैं कि ट्रांसफ़र फंड यहाँ से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो चेकिंग है तो इस पर आप क्लिक करके यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके से आपको ओपन होकर आ गया, अब ये आपका लिंक हो चुका है। यहाँ आपका डेबिट कार्ड की वो लिंक हो गया, यहाँ पेपल अकाउंट हो आपका आगे जो अभी पेपल अकाउंट में आपका 0 बैलेंस है और यहाँ पर देख रहे हैं चेकिंग को जो अब क्लिक करने का कुछ इस तरीके से ओपन आएगा। आपका ये सिंपली ऑटोमेटिक अपडेट भी हो चुका है और ये इस तरीके से आपका अकाउंट बन चुका है और यहाँ से देख रहे हैं रिमूव बैक, तो अभी से रिमूव बैक करके आप पीछे भी जा सकते हैं। इस तरीके से जब हम पेमेंट करेंगे तो हमारे जो पैसे डेबिट कार्ड से कट होंगे
और जब हम पेमेंट लेंगे तो डायरेक्ट हमारे ये बैंक अकाउंट में आ जाएंगे, तो मेरे इसी बैंक अकाउंट में आएंगे जो मैं इसमें अभी लिंक किया है। इसके बाद सिंपली देख रहे हैं कि कुछ न्यू अपडेट किया गया है ये पेपल अकाउंट में, जहाँ से अपना फोटो भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं ऐड योर फोटो, इसमें बहुत सारा आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर ओके करने के बाद मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर अपना नाम जो है यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर कोई गलती हो गया तो पहले ये ऑप्शन नहीं आ रहा था, अभी अपडेट न्यू करके आया हुआ है पेपल में। तो बहुत ही प्रोफेशनल तरीका से इसको आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ से तो नाम भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ से लैंग्वेज भी चेंज करने का ऑप्शन भी मिल जाता है, लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से टाइम भी जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ आपकी यूनिवर्सिटी आ गई, यूनिवर्सिटी आई डी आपको यहाँ पे आ गया। आप अगर पासपोर्ट ऐड करना चाहते हैं तो ऐड पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आप अपना पासपोर्ट नंबर और पासपोर्ट है जो डाल के यहाँ सिंपली सेव कर दीजिएगा, तो आपका पासपोर्ट भी यहाँ पे सेव हो जाएगा। यहाँ से अगर चाहते हैं कि मैं अपना अकाउंट जो क्लोज कर दूँ, बंद कर दूँ, तो यहाँ से आप सिंपली अपने अकाउंट को क्लोज भी कर सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि आपका मोबाइल नंबर आ चुका है। अगर आप चाहें कि एक से अधिक हमको मोबाइल नंबर हो तो सिंपली यहाँ ऐड पर आकर अपना दूसरा मोबाइल नंबर भी ऐड कर सकते हैं। तो कितना शानदार और नया फीचर आया हुआ है पेपल अकाउंट में। सिंपली यहाँ देख रहे हैं कि आपका ईमेल आईडी कन्फर्म हो चुका है, तो जो यहाँ पे लिख के आ चुका है कि आपका ईमेल आईडी कन्फर्म हो चुका है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका पूरा एड्रेस आ चुका है। अगर आप अपना एड्रेस में कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं सिंपली प्लस वाले आइकन पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ से अपना एड्रेस को चेंज भी कर सकते हैं। पूरा एड्रेस डाल के सिटी स्टेट पिन कोड डाल के सिंपली कर देना ऐड, जो भी एड्रेस है वो आप यहाँ से बहुत ही आसानी से आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद देख रहे हैं कि मैनेजिंग और एड्रेस, और यहाँ से मैनेजिंग और एड्रेस क्लिक करके जो भी आपको एड्रेस डालना है यहाँ से मैनेज भी अपडेट भी कर सकते हैं, और यहाँ से कुछ नया एड्रेस भी आप ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली हमको पहले ही कर चुके हैं, हमको नहीं करना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रोफाइल पिक्चर क्या है, सिंपली से आपका जो भी पिक्चर है तो यहाँ पर आप सिंपली यूज लगा सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर अपना पिक्चर यहाँ पर एक लगा लेते हैं, जो मेरा पिक्चर, तो मैं यहाँ पर पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ जो भी मेरा पिक्चर है। तो यहाँ सिंपली मैं अपना पिक्चर सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरीके से देखिएगा आपका जो पिक्चर आ चुका है, और सिंपली यहाँ कर देना है यूज दिस फोटो। तो ओके कर देंगे, ये सेलेक्ट हो जाएगा मेरा पेपल अकाउंट में ये फोटो। तो सिंपली तरीके से ये मेरा फोटो यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है, आप देख रहे हैं कि मेरा ये फोटो आ चुका है। तो कितनी शानदार और नया फीचर दिया हुआ है ये पेपल अकाउंट है। तो इसी तरीके से बहुत ही आसानी तरीके से अपना करेक्शन वगैरह करना है, नाम, एड्रेस, पता, लैंग्वेज, अपना अकाउंट ही बंद करना है, मोबाइल नंबर जोड़ना है, कुछ भी करना है, तो यहाँ पर बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। इस तरीके से मेरा जो है पेपल अकाउंट बहुत ही सिंपल और सिक्योर तरीके से कंप्लीट हो चुका है। कहीं भी पैसे ट्रांसफर करने के लिए आप सेंड वाले पर क्लिक करेंगे, किसी को भी पैसे सेंड करेंगे तो उसका ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो इस तरीके से उसका ईमेल आईडी डाल के सिंपली यहाँ हम कर देंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद कुछ इस तरीके से मेरा ओपन होकर आ जाएगा। आप कितना पैसा देना चाहते हैं, चलिए हम यहाँ पे 100 लिख देते हैं, और यहाँ से सिंपली आप इसको कंटिन्यू कर दीजिएगा तो उसके अकाउंट में आपको जो पैसे चले जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आप कोई नोट भी डाल सकते हैं कि पेमेंट क्यों करना चाहते हैं। मैं लिख देता हूँ गिफ्ट। तो यहाँ से गिफ्ट लेकर यहाँ सिंपली आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं। यहाँ से हम पेमेंट भेजने के लिए यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद कुछ इस तरीके से ये ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पे देख रहे हैं कि अपने कार्ड का जो भी है वो यहाँ पे अपने कार्ड का डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे देख रहे हैं कि सेंड पेमेंट नाउ, पहले जो ऑप्शन आता था ना यहाँ पे अपने कार्ड का CVV नंबर डालने के लिए, वो अब नहीं आ रहा है क्योंकि नया अपडेट हुआ है। पहले भी मैं आपको बताया हूँ बहुत सारा नया अपडेट किया है। तो सिंपली आपको यहाँ कर देना है सेंड पेमेंट नाउ पे ओके। तो इस तरीके से हम यहाँ सेंड पेमेंट पे ओके करेंगे, आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, OTP डाल देना, इसको सिंपली कर देना है कंटिन्यू। तो इस तरीके से आपको पैसे ये अपने अकाउंट से कट हो जाएंगे। देख रहे हैं मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जो OTP नहीं आता है, क्योंकि मैं यहाँ पर क्रेडिट कार्ड डाल चुका हूँ तो इसलिए यहाँ पर मेरा नहीं आ रहा है। और ये यहाँ पर अब देख भी रहे हैं तो सिंपली मेरा ये कंप्लीट पेमेंट हो चुका है। देख रहे हैं कि यहाँ कंप्लीट पेमेंट जो दिखा रहा है, तो यहाँ पर इसी तरीके से आपको कुछ दिखा देगा अगर आप क्रेडिट कार्ड उसमें डाले रहेंगे तो आपको आप पेमेंट सक्सेसफुली ओपन एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आप किसी से पेमेंट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर रिक्वेस्ट क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सिंपली ये ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पे सिंपली आप जिससे पेमेंट लेना चाहते हो उसकी यहाँ पर आप ईमेल आईडी डाल देंगे। ईमेल आईडी डालने के बाद सिंपली यहाँ देख रहे हैं कि आपका कुछ ऑप्शन इस तरह से आ गया है, यहाँ सिंपली कर देंगे नेक्स्ट को ओके। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि आप पेमेंट यहाँ पर क्यों लेना चाहते हैं, तो नोट में यहाँ कुछ भी टाइपिंग कर सकते। चलिए मैं यहाँ टाइपिंग करता हूँ गिफ्ट। इस तरीके से आप गिफ्ट भी टाइपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपली आप देख रहे हैं कितना पेमेंट आप उससे लेना चाहते हैं, तो जो कितना पेमेंट भी आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सिंपली टाइपिंग कर देना है कि हम इतना पेमेंट इससे लेना चाहते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है और यहाँ सिंपली कर देना है पेमेंट रिक्वेस्ट पे ओके। तो आपका जो पेमेंट लेंगे वो आप देखिए, जो यू हैव रिसीव योर 100 तो यहाँ पे इस तरीके से जो रिसीव भी हो चुका है। और इसको सिंपली हम जाएंगे यहाँ सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे हमको बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे।
आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारा भी जो ऑप्शन है, जो मैं आपको पहले बताया था, वो सारा ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसका सिंपली आप यहाँ देखेंगे एक्टिवेट में, तो यहाँ पर जो भी हम पेमेंट वगैरह किए रहेंगे तो पूरा ये डिटेल हमको इसमें शो करेगा, कितना पेमेंट हुआ नहीं हुआ। इसको यहाँ पर देख रहे हैं कि स्टेटमेंट का, स्टेटमेंट पर जाकर स्टेटमेंट पर यहाँ से जो भी स्टेटमेंट है वो जितना दिन का, जो यहाँ से हम सिंपली स्टेप बाय स्टेप उसका जो भी स्टेटमेंट है यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से ये ओपन होकर आ चुका है। इस तरीके से आप अपने सारे स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से मैं पैसे जो मैं एक्टिव कर दिया था, मैं उसको यहाँ से चेंज भी कर चुका हूँ, वापस भी ले चुका हूँ। तो अगर आप किसी को भेज भी रहे हैं तो डायरेक्ट आप उससे वापस भी ले सकते हैं। इससे पहले यहाँ पर देख रहे थे कि एडिट का ऑप्शन आ रहा था, कैंसिल वगैरह आ रहा था और रिमाइंडर वगैरह आ रहा था, तो यहाँ पर सिंपली मैं रिमाइंडर वगैरह पर क्लिक करके इससे मैं 100 रुपये जब सेंड किया था, यहाँ देख रहे एक्टिव का ऑप्शन, तो सिंपली मैं यहाँ से इसको ले चुका हूँ। यहाँ एक्टिव ओके करके आप इसको देख भी सकते हैं कि कुछ इस तरह से आपको ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ देख रहे हैं कि जो ये कम्प्लीट हो चुका, जो मैं आपको 100 रुपया भेजा था तो उसको मैं बहुत ही आसानी से यहाँ से देख रहे हैं कि कैंसिल हो चुका, तो मैं यहाँ से उसको 100 रुपीज़ देख रहे हैं कि उसका जो मैं भेजा था उसको मैं यहाँ से वापस ले लिया हूँ। यहाँ कैंसिल रिक्वेस्ट ओके करके दिया हूँ तो ये मेरे अकाउंट में फिर दोबारा से ये वापस आ गया है। तो यहाँ से आप प्रिंट भी इसका निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं जैसे मैं इस पेपल अकाउंट से मैं उसको पैसा भेजा था, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यह जो इसका अपडेट नेम है, मैं 100 रुपया उसको भेजा था, तो मैं इसको यहाँ से सिंपली अपडेट कैंसिल कर चुका हूँ और मैं अपने अकाउंट में ले भी चुका हूँ। तो आप देख रहे हैं कि जो मैं पैसा इसका भेजा था वो मेरे केस में यहाँ पे आ चुका है। तो मैं इसे सिंपली बहुत आसानी से वहाँ से कैंसिल करके अपना पैसा जो 100 रुपया उसको दिया था मैं अपने अकाउंट में कैंसिल करके फिर से मैं 100 रुपया अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया हूँ। तो यहाँ पर सिंपली हम देखिए जो उसको रिक्वेस्ट भी भेजा था, यहाँ सिंपली हम करेंगे पे नाउ। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से ये ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ देख रहे हैं कुछ इस तरीके से ये ओपन होकर आ चुकी है। तो यहाँ पे ये ओपन होने के बाद यहाँ देख रहे हैं कि कस्टमर सपोर्ट है, तो सिंपली हम इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद डायरेक्ट वो मेरे जो उसका मैं रिक्वेस्ट भेजा था वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो चुका है और उसको कुछ इस तरीके से ये नाम आ चुका और ये जो मैं पैसे भेजे थे तो वो सिंपली हमको रिफंडेबल हो चुका है। तो आप ये टेंशन नहीं लीजिएगा कि मेरे सिर्फ मेल आई डी पर नोटिफिकेशन आएगा, आपको मोबाइल पर भी नोटिफिकेशन आ सकता है। मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ। जैसे यहाँ सेटिंग पर जाइएगा, सेटिंग पे जाने के बाद तो कुछ इस तरीके से ओपन आएगा, ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं नोटिफिकेशन का, इसको क्लिक कीजिएगा तो यहाँ देख रहे हैं कि आपका मोबाइल आ चुका है और ईमेल आईडी। तो सिंपली यहाँ पर जाइएगा, देखिए यहाँ आपका ऑप्शन आ चुका है, आपको मोबाइल पे भी नोटिफिकेशन आएगा और यहाँ से देख रहे हैं कि आपका मेल आईडी भी आपका नोटिफिकेशन आएगा। तो आपका इसी तरीके से बहुत ही आसानी और सिंपल तरीके से आप जो इस पर अकाउंट बना सकते हैं और अपना लेन देन भी यहाँ से कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से आप जो कहीं से पेमेंट मंगा सकते हैं बाहर से या इंडिया में ही कहीं से कहीं ट्रांसफ़र कर सकते हैं और आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या बैंक अकाउंट में पैसे विड्रॉ भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, भेज भी सकते हैं और आपके मोबाइल पे SMS भी आएगा और मेल आईडी पे SMS भी, एप्पल पे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। यहाँ से आप सेटिंग में जाने के बाद यहाँ सिक्योरिटी में यहाँ से देख रहे हैं कि अपनी सिक्योरिटी आप यहाँ से और भी बढ़ा सकते हैं। पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पासवर्ड को अपग्रेड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आप एक सिक्योरिटी क्वेश्चन भी लगा सकते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2-स्टेप वेरिफिकेशन भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे सेटअप पे क्लिक करेंगे, इससे क्या होगा, जब तक कोई OTP यहाँ पर नहीं डालेगा जब तक लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो नीचे हम यहाँ सेटअप पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे मोबाइल नंबर आ गया, यहाँ पर हम नेक्स्ट करेंगे, ऑथेंटिकेशन कोड भेज गया है मेरे मोबाइल पर, हम यहाँ पर डाल देंगे। कोड डालने के बाद सिंपली हमको कर देना है कन्फर्म पे ओके। ओके करने के बाद देख रहे हैं कुछ इस तरीके से मेरा आ गया 2-स्टेप लॉगिन का ऑप्शन। इस तरीके से देख सकते हैं कन्फर्मेशन जो सक्सेसफुल हो गया और कुछ इस तरीके से मेरा सेटअप ओपन हो के आ चुका है। तो इस तरीके से यहां से इसको टर्न ऑफ भी कर सकते हैं और इसको अगर नहीं चाहें टर्न ऑन भी यहां से आप कर सकते हैं और इस तरीके से आप अपने मोबाइल को बहुत आसानी से जो भी नंबर वगैरह है यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जब भी आप कोई भी लॉगिन करेंगे और जो भी मैं नंबर दिया था अभी इसमें, तो उस नंबर पे मेरे मोबाइल पे एक एप्लीकेशन कोड जाएगा और जब भी हम कोड डालेंगे तभी हम लॉगिन हो पाएंगे, नहीं तो हम लॉगिन नहीं हो पाएंगे। तो इसी तरीके से बहुत ही आसानी और सिंपल तरीके से आप अकाउंट बना सकते हैं और इसको सेटअप कर सकते हैं। पेपल की एक बात हमें बहुत ही बुरी लगता है कि वो पर ट्रांजेक्शन 5% का चार्ज लेता है, तो ये बात हमको बहुत ही बुरी लगती है। आपको इसमें एक फ़ायदा हो सकता है कि आप ये 5% से बच सकते हैं। वो कब बच सकते हैं, जब आपके पास कस्टमर आता है तो वो 5% है आप कस्टमर में जोड़ दीजिए, तो वो 5% है वो आपको नहीं देना पड़ेगा। अगर आप एक बार पेपल अकाउंट बना लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से प्ले स्टोर से जाके आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और आप ऐप स्टोर से भी आप इस एप्लीकेशन को डाउन करके बहुत ही आसानी से आप उसमें यूज कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जाके कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।